नमस्कार दोस्तों, माय यूनिक स्पोर्ट चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोटेक इन्वर्टर जो कि 335 VA 12 वोल्ट में है, जो कि एक सोलर इन्वर्टर है, उसकी सेटिंग्स के बारे में है। इसके पीछे जो भी सेटिंग्स हैं उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। फ्रंट पैनल में अगर आपको बता दूँ, ये बटन्स हैं कुछ। यहाँ पे आपको मेंस मिलता है, सोलर अगर आ रही अवेलेबल है तो सोलर ऑन हो जाएगा, UPS ऑन, लो बैटरी ओवरलोड और चार्जिंग मोड। यहाँ पे मेनू मोड है, अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो आपको यहाँ पे सोलर पावर मिल जाएगी और साथ में कितने यूनिट्स आपके बच रहे हैं उसकी डिटेल्स मिलेगी। और ये है हमारे इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इन्वर्टर की बैक साइड और जानते हैं इसकी सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने इन्वर्टर की बैक साइड आ गए हैं। ये है इन्वर्टर की एसी आउटपुट और यहाँ पर ये आपको मिल जाते हैं सोलर के लिए कनेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 वोल्टेज और 45 वाट के पैनल से लेकर 600 वाट तक के पैनल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीसेट का बटन मिलता है और साथ में ये है फ़ैन जो कि हमारे इन्वर्टर को कूल करता है। तो ये हैं दोस्तों वो वाले स्विच जो कि इसकी सेटिंग्स हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे मोड नॉर्मल और स्मार्ट। ठीक है, नॉर्मल मोड में आपकी बैटरी सिर्फ इन्वर्टर अपने सोलर पैनल से ही चार्ज होगी। अगर स्मार्ट मोड में ये होता कि अगर थोड़ी वोल्टेज कम हो तो वो अपनी अवेलेबल जो ग्रिड की सप्लाई होती है उससे भी आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ पे देखें नैरो और स्टैंडर्ड इनपुट वोल्टेज में है, नैरो और स्टैंडर्ड। जैसे हम अपने दूसरे इन्वर्टर में देखते हैं लुमिनस या अदर कंपनी के जो भी इन्वर्टर होते हैं उस पर, यहाँ पे आपको इको मोड और UPS मोड मिलता है। तो इसका सेम, इसका जो UPS मोड है वो है नैरो और जो इको मोड है वो स्टैंडर्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड और हाई, अगर तो आपकी टाल ट्यूबलर बैटरी है या फ्लैट बैटरी है उसके लिए है। टाल ट्यूबलर है तो आप इसे हाई पे कर दें, नहीं तो स्टैंडर्ड पे रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे है चार्जिंग करंट। ये दोस्तों उस कंडीशन में काम आती है अगर आप अपनी बैटरी को 15 एम्पीयर के करंट से चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसे हाई पे रख लीजिए, स्विच को इसको ऊपर कर दीजिए हाई पे। अगर तो आप अपनी बैटरी को नॉर्मल जैसे कि 10 एम्पीयर के करंट के साथ धीरे धीरे चार्ज करना चाहते हैं तो लो ही रखें, बट प्रेफर आपको ये करना चाहिए लो में ही रहे, क्योंकि लो में अगर आप अपनी बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करोगे तो उसका बैकअप जो और उसकी लाइफ होती है वो ज़रूर एक्सटेंड होती है। यहाँ पे है ग्रिड। अगर तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो आप इस स्विच को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी और ना कि बिजली से चार्ज होगी। और इन्वर्टर के पीछे से दोस्तों ये दो वायरें निकलती हैं, जैसे आपको पता ही है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, जो हमने अपनी बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।